सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छी होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने करी है इंडियन आर्मी कैंटीन से शॉपिंग और पूरे के पूरे यहां पे सामान रखा हुआ है और मैं आपको बताने वाला हूं जो मार्केट प्राइस है और जो इंडियन आर्मी कैंटीन प्राइस है उसमें कितना डिफरेंस आ जाता है, कितने परसेंटेज का आ जाता है। और बहुत सारा सामान है, लिटरली भाई साहब बहुत सारा सामान है। ये देखिए कितना सारा है गाइज, ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी है। जितना भी सारा सामान था ये मैंने बाहर निकाल दिया है। जैसे कई चीज़ों की ज़्यादा क्वांटिटी थी, जैसे इनो की ज़्यादा क्वांटिटी थी, 4-5 पैकेट थे तो मैंने एक निकाल दिया है। पार्क एवेन्यू की 2 थी तो मैंने एक निकाल के रखी हुई है। सारी एक एक क्वांटिटी मैंने रखी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे प्यारी चीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, पार्क एवेन्यू की स्प्रे डिओड्रेंट। बहुत ही प्यारी लगती है, कहीं पर शादी पार्टी में जाता हूँ तो हमेशा लगाता हूँ, बहुत ही प्यारी है। और ये तो मैं 2 लाए थे हम। और फिर आपको दिखा देते हैं, ये देखिए पैराशूट का कोकोनट ऑयल है, ये कुछ मतलब 1-2 लीटर, 1 लीटर का है ये और 2 लीटर हम लाए थे। ये सर्दियों का काम का, कई चीज़ें ऐसी हैं जो सर्दियों के काम की हैं तो ये सर्दियों में बहुत काम आता है, हमारी फैमिली में सब लगाते हैं इसे। फिर ये देखिए यूनिबिक का एक बिस्किट है, ये मतलब ऐसे ही लिया है। ये खीर भी है, ये खीर मतलब बहुत ही शानदार आती है, ये देखिए सेमी की खीर है। ये देख लीजिए ये मैगी है, ये वाला छोटा पैकेट मिला है, बड़ा भी मिल सकता था पर पता नहीं क्या अवेलेबल नहीं हुआ या क्या सीन था तो अभी छोटा वाला पैकेट लाए थे। और ये देखिए ये है लेज का मैजिक पैक और ये 10 रुपए का आता है मार्केट में और ये था 7 रुपए का, 7 रुपए का एक पैकेट था ये। और आपको बॉर्नविटा दिखा देता हूँ, ये मेरी दीदी पीती है। ये देखिए कैडबरी चॉकलेट है, ये पिछली बार भी दिखाई थी, ये 45 रुपए की है और ये पड़ी थी 20 रुपए की। ये ब्रश है, ब्रश आप देख लीजिए, हाउस होल्ड की सिंपल चीज़ है, कोई भी यूज़ करता है। और ये कोल्ड क्रीम है जो सर्दियों में काम आती है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये देखिए ये है तगड़ी चीज़, ये क्या है, ये हैंको की सर्फ है। ये कितने केजी का पैक है, 5 केजी का पैक है ये। और इसके साथ आता है एक टब, ये देखिए ये इसके साथ टब आता है। पहले कंपनी बहुत बड़ा टब देती थी, हमारे पास एक ही टब है वो वाला, और अब छोटा करती गई और इतना छोटा कर दिया ये टब। और फिर इसमें एक हमने सर्फ मंगाई थी टाइड की, सो ये कुछ ऐसी टाइड की 2 केजी की सर्फ है। और फिर ये देखिए जो मैंने इतना सारा सामान आपको दिखाया था खाने पीने का, फिर उसके बाद अपने को जिराना भी होता है, पचाना होता है, डाइजेस्ट करना होता है, उसको पचाने के लिए ये इनो है। इनो आपको पता ही, ये इनो लेते हो और इस इनो को डाइजेस्ट करने के लिए एक और इनो है हमारे पास। ये देखिए ये है चमन प्राश और ये डाबर का है, ये हमने एक ही मंगाया था। और ये देखिए नॉर्स का जो सूप आता है जो आपने ऐड देखा होगा वो भी मिलता है, कई अलग अलग फ्लेवर्स में मिलता है, नॉन वेज में मिलता है, वेज में भी मिलता है वहाँ पे। ये वैसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है सूप। देखिए ये टाटा नमक सबके घरों में यूज़ होता है। देखिए रेड लेवल टी, टी मैं पीता नहीं हूँ पर ये भी हाउस होल्ड के लिए, कोई मेहमान आ गया घर वाले पीते हैं। सो अभी मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है बनियान। अब ये अलग ब्रांड की है, आपने सुनी भी नहीं होगी, सागर नाम की में। और फिर ये देखिए इजी, ये जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनको साफ करने में काम आता है। और मैंने अगर आपको सॉस नहीं दिखाया था तो ये देख लीजिए सॉस है ये। और ये देखिए कॉलिन जिससे मैं हमारे वॉश बेसिन के शीशे साफ करता हूँ। इसके बाद है ये डिटॉल, बहुत ही जरूरी एंटीसेप्टिक लोशन है ये। फिर ये देखिए हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, बहुत सारे और ब्रांड्स के भी मिलते हैं, पेंटिंग के मिलते हैं, लॉरियर पेरिस के भी मिलते हैं, गार्नियर के मिलते हैं, पर हम यही यूज करते हैं तो ये वाला लाए हैं। और फिर इसमें मिल जाता है आपको पाउच, मिल जाता है एक जो हम हैंड सैनिटाइजर का पाउच, सैनिटाइजर नहीं है हैंड वॉश है ये, और यही वाला लाते हैं। इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए लाते हैं ये वाला। जो हम कॉमन यूज लेते हैं वो रेक्सोना सोप है, ये हम बहुत कॉमनली यूज लेते हैं और इसका साइज छोटा है शायद अब की बार। और ये देखिए ये है हार्पिक, सबको पता है किस लिए काम आता है। और ये देखिए ये विम जेल, आपने एड्स में तो छोटा छोटा इसका भाई देखा होगा पर ये देखिए कितना बड़ा है। और फिर ये हैंको के बार आ जाते हैं जो साबुन यूज करने के लिए। सो ये तो पूरा सामान हो गया और जो इसके साथ की क्वांटिटी थी ये वाली, वो क्वांटिटी है। अभी मैं सारी एक साथ चीजें आपको डाल के दिखा देता हूँ इसमें। गाइस ये देखिए कितना सारा सामान था, मैंने एक जगह रख दिया है और अभी इसे सेट करेंगे घर में। किसी भी रीजन से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल को मिलता है अगली वीडियो में नेक्स्ट मंडे।